नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के काचीपुरा में लगी आग से 10 दुकानें जलकर हुई खाक, एक घंटे तक दमकल विभाग को करनी पड़ी मशक्कत। नागपुर के हुड़केश्वर परिसर में बगुलों को निशाना बनाकर मारने वाले 3 युवकों को पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। घटना गुरुवार दोपहर की। और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर नागपुर में हॉकी प्रेमियों ने मनाया जश्न। और अब खबरें विस्तार से। रामदासपेट के काचीपुरा परिसर में बुधवार देर रात भीषण आग लगी। मोटर गैरेज, दुकान और मकान सहित 10 प्रतिष्ठान जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काचीपुरा पुलिस चौकी से लगकर लाइन से टीन के शेड में गैरेज और दुकानें बनी हुई है। रात 2:30 के दौरान अचानक कुछ दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी। परिसर में धुआं फैलने पर लोगों को घटना का पता चला और अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई। डिप्यूटी CFO चंदन खेड़े के नेतृत्व में टीम मौके पर रवाना हुई। आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए अलग अलग फायर स्टेशनों से 6 वाहनों को मौके पर बुलाया गया। तब तक राठौड़ ऑटोमोबाइल्स, न्यू नागपुर गैरेज, जनता गैरेज, हेमंत कुशन वर्क्स, गजानन वेल्डिंग वर्क, गुलजार ऑटो वर्क्स, व्यास ऑटो इलेक्ट्रिकल, युवराज कुशन वर्क्स, अधिवक्ता जितेंद्र राठौड़ का कार्यालय और अक्षयलाल पांडे के मकान का कुछ हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। इन्हीं दुकानों से लगकर अनेक रेस्टोरेंट भी है। आग की लपटों को देख अन्य प्रतिष्ठानों को बचाने में प्राथमिकता दी गई। लगातार 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में सफलता मिली। आग कहाँ से शुरू हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने का कारण भी पता नहीं चल सका। नागपुर के हुड़केश्वर खुर्द परिसर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें निसर्ग की देन माने जाने वाले बगुलों को मारकर खाने वाले 3 युवकों को वन विभाग की टीम ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। इन 3 युवकों के पास से 25 से 30 बगुलों को बरामद किया गया है, जिसे मारकर उन्हें खाए जाने की जानकारी पक्षी प्रेमियों द्वारा बताई जा रही है। नागपुर के हुड़केश्वर खुर्द परिसर में पक्षी प्रेमियों को जानकारी मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व उनके परिसर में दिन दहाड़े पेड़ पर बैठ बगुलों को गुलेर और पत्थर के सहारे निशाना बनाकर मार गिरा रहे हैं, जिसके तहत पक्षी प्रेमी धीरज मिस्किन और उनके साथियों ने योजना बनाई और बगुलों का शिकार करने वाले युवकों को रंगे हाथों धर दबोचा, जिसमें पकड़ाए 3 युवक के पास से करीब 25 से 30 मृतक बगले बरामद किए गए, जिन्हें गुरुवार दोपहर हुड़केश्वर खुर्द से इन 3 युवकों ने गुलेर और पत्थर मारकर निशाना बनाया था। जहां 3 बगुले मारो को वन विभाग के हवाले करने की जानकारी फरियादी धीरज ने दी है। मित्र विक्रांत कावड़े, आज दिनांक 5/21 दुपारी 11:30-12 सुमारास मला एक गोष्ट आढळली की जे पक्षी असतात आपले बगडे झाडावर बसले राहतात, त्यांना काही तोडी मिळून ते त्यांना जीव घेत होते, त्यांचं मारण करत होते। तेव्हा मी तसा प्रसंग बघून माझ्या सर्पमित्र मित्रांना फोन केला, प्रसिद्ध गवळ आणि धीरज मिस्किनला, की तुम्ही यावे, मला तुमची मदत हवी आहे, एकट्याने मी काही होऊ नाही शकत बा म्हणून। तर हे आले आणि आम्ही त्याच्यावर पोलिसाची मदत घेऊन कारवाई केली। तर मी काही वेळासाठी बाहेर चाललो गेलो, त्यानंतर प्रतीकदादा होते तिथे, प्रतीकदादांनी ती गोष्ट सांभाळली। नमस्कार, मी प्रतीक। मला सांगितल्याप्रमाणे मला विक्रांनी कॉल केला आणि मला कळवलं की काही इसम तिथे पक्ष्यांची शिकार करत आहे हुडकेश्वर बुजुर्ग। या घटनास्थळी मग मी आणि धीरज मिस्किन आम्ही पोहोचलो। त्यानंतर आम्हाला आढळलं की 3 इसम पक्ष्यांची शिकार करत होते, तर ते बघून त्यानंतर आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो आणि त्यानंतर आम्ही तिथून पोलीस हेल्पलाईनवर कॉल केला आणि तसेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटलाही कॉल केला। तर घटनास्थळी मग हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनमधून पोलीस आले, त्यांनी त्या इसमांना ताब्यात घेतलं, तसेच मेलेल्या पक्ष्यांना आणि जखमी पक्ष्यांनासुद्धा त्यांनी ताब्यात घेतलं। त्यानंतर आम्ही हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनला पोहोचलो, तिथे फॉरेस्टवाले आले
फॉरेस्टवाल्यांनी सामोरची कारवाई केली। माझं सांगण्याचं एकच तात्पर्य आहे की पक्षी हे आपल्या निसर्गासाठी खूप अत्यंत आवश्यक जीव आहे, तर कृपा करून त्यांची शिकार करू नये। आणि जर तुम्हाला जर अशी शिकार करताना आढळत असेल, तर तुम्ही हे असे प्रसंग होत असेल तुमच्यासमोर, तर ते तुम्ही होऊ देऊ नये। त्याबद्दल तुम्हीसुद्धा वनरक्षक तसेच पोलीस तसेच सर्पमित्र यांची मदत घेऊन असे कामं जर होत असतील तर तुम्ही यांना थांबवू शकता। आणि निसर्गासाठी पक्षी तसेच प्रत्येक जीव निसर्गासाठी आवश्यक आहे, तर कृपा करून कुठल्याही प्रकारे असा जर तुम्हाला कृत्य दिसत असेल तर तुम्ही सर्पमित्र पोलीस तसेच वनरक्षक यांना कळवा आणि असे कृत्य होऊ देऊ नका अशी विनंती। टोक्यो ऑलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने का जश्न नागपुर में भी देखा गया, जहां 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी टीम को मिली जीत का प्रेमियों ने स्वागत कर एक दूसरे को बधाई दी। ढोल ताशों के साथ खेल प्रेमी इस जीत का जश्न मना रहे थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि आज 40 साल बाद भारत को हॉकी टीम ने मेडल की जीत दिलाई है। तो अब हम सीधा जानते हैं कि उनको क्या महसूस हो रहा है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विदर्भ हॉकी एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूं। और मैडम, ये जो आपने कहा कि जो खुशी की बात है, ये खुशी हमारे से 41 साल पहले छीन गई थी। 41 वर्ष पहले तक हमारा पूरे विश्व पे वर्चस्व था हॉकी में। हमने तीन गोल्ड मेडल जीते थे पहले 1980 तक, परंतु आज ऐसी परिस्थिति बदली कि हम डाउनफॉल होते चले गया। और हम चाहते थे कि हमारी खेल में उन्नति हो, परंतु यह सब इसी कारण हो सका, खिलाड़ियों के अथक परिश्रम से। सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हॉकी खेल में गरीब तबके के गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जिनको हॉकी तक नसीब नहीं होती जब वो खेलना चाहते हैं, जूते तक नसीब नहीं होते। परंतु हमारी बेटियों ने, हमारे जो आज पुरुष वर्ग ने जीता है, पुरुष वर्ग भी गरीब तबके से आते हैं, और इन सब ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज जो हमारा सम्मान जो हम खो चुके थे आज से 41 साल पहले, वह सम्मान आज हमारी टीम ने हमको दिलाया। भारतीय को गर्व है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारा इसी प्रकार हम गोल्ड मेडल के लिए आगे करें और हम गोल्ड मेडल प्राप्त करें। उसी प्रकार कल महिला टीम खेलने वाली है, हमें पूर्ण उम्मीद है जिस प्रकार पुरुष वर्ग ने जीत हासिल की और 41 साल का जो सूखा पड़ा हुआ था हॉकी में, उस सूखे को हरा भरा कर दिया है। इसलिए मेरी कल के लिए महिला टीम को खास बेस्ट, ऑल द बेस्ट है। और सभी टीम से मेरी गुजारिश है कि हम सभी भारतीयों से, देशवासियों से कामना करते हैं कि आप सब उनके लिए प्रार्थना करें और कल हम विजयी होकर दोनों महिला और पुरुष एक ही वर्ग में देखे जाएं। यदि एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है तो लोगों में भेदभाव हो जाता है कि महिला तो पीछे रह गई, अपने महिला में कोई दम नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है, आज हमारी महिला ने जो कर दिखाया, क्वार्टर फाइनल जीती, क्वार्टर फाइनल से आज सेमीफाइनल में पहुंची, तो पुरुष वर्ग ने भी वही किया, वो भी क्वार्टर फाइनल जीते और सेमीफाइनल में पहुँचे। इसलिए मैं दोनों टीमों को ये बधाई देता हूँ। जानते हैं सर, आखिरकार भारत ने कांस्य पदक जीत ही लिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है ये जो कांस्य पदक हमने जीता है, क्योंकि हम लोग टर्फ के ऊपर में पहली बार मेडल जीते हैं। टर्फ में हमने कभी मेडल जीता नहीं आज तक, 41 साल के बाद हम टर्फ पर मेडल जीते हैं, इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। और हम खुद हॉकी प्लेयर हैं, हम जानते हैं कि हॉकी कैसे खेली जाती है, और जो सुविधाएँ हैं हमारे यहाँ पर और जिनसे हम जीते हैं उनके यहाँ जो सुविधाएं हैं उसका अगर मुकाबला करें, वैसी सुविधाएं अगर हमें मिली तो मुझे लगता है कि हम हमेशा ही गोल्ड मेडल जीतेंगे। मतलब जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, और जैसे बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया अगर फाइनल में आ जाती, ये मेडल जो हमने जीता है, जो ब्रॉन्ज मेडल, अगर हम फाइनल में चले जाते बाई चांस गोल्ड मेडल जीतते तो बहुत ही अच्छी बात थी, तो हम लोगों के लिए और फख्र की बात हो जाती। लेकिन सिल्वर मेडल मिलता तो हमें हार के मिलता, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जो है हमने जीत के हासिल किया है, तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कोई गोल्ड मेडल से तुलना में कम नहीं है। बड़ा अचीवमेंट है जो हॉकी टीम ने किया है। और जैसे पहले भी हमने कहा है कि हिंदुस्तान में टर्फ जो है, एक हाथ दो चार ही टर्फ हैं, कुछ बड़े बड़े सिटी में टर्फ हैं, अगर ये टर्फ हमारे उपलब्ध हो जाए, अब देखिए विदर्भ में एक भी टर्फ नहीं है, मेरे को लगता है महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो शायद बॉम्बे में एक टर्फ होगा, बाकी कहीं टर्फ ही नहीं है। और अभी की हॉकी जो है वो पावर हॉकी है, तो पावर हॉकी का हमने मुकाबला किया जिसका हमें गर्व है, अच्छा लग रहा है जीतने के बाद में।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने कांस्य पदक तो जीत लिया है लेकिन हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं, जी जी, तो क्या आपको अभी भी उस चीज़ का मलाल है? मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो एक टीम जब सेमीफाइनल हारता है उसके बाद में उसका मॉरल डाउन होता है, वो मॉरल अप करके हमने कांस्य पदक लाया, ब्रॉन्ज मेडल लाया, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप जब भी कोई हारता है तो उसका मॉरल बहुत डाउन होता है टीम का मैच हारने के बाद में, क्योंकि हम एज ए प्लेयर हम बता रहे हैं नेक्स्ट डे फिर मैच खेलना होता है, तो वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट मेंटेलिटी। वो मेंटेलिटी से हम उबर के नेक्स्ट मैच हम ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, मतलब इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट। कोई बात नहीं, अगले हमारे जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग गोल्ड तक पहुँचे। जो आगे वाली जो टीमें हैं, जो टॉप फोर टीमें हैं, उनके यहाँ हर क्लब में दे आर हैविंग एस्ट्रोटर्फ्स एंड एवरी फैसिलिटीज़। हमारे पास वैसा नहीं है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उसके बावजूद हम उनको मैच कर रहे हैं और मैच करने के बाद में हमने जो अचीवमेंट किया इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट एंड दैट टू आफ्टर 41 इयर्स, दैट इज़ बिगेस्ट अचीवमेंट, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, इंडिया टीम एंड प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट, द कोच एंड द टीम फिजियो, दे आर टू बी प्रेज्ड, बिकॉज टीम का जो फिटनेस चाहिए टर्फ पे वो उन्होंने उसको सेमीफाइनल के बाद वो लेवल को मेंटेन किया। वो वहाँ ह्यूमिडिटी इतनी थी उसके बावजूद भी प्लेयर को रोटेशन जो कर रहे थे, वो एक एक प्लेयर में मेरे ख्याल से 60-70 बार रोटेशंस हुआ है, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। इतना रोटेशन के बाद भी हम जीत रहे मैच, हम लोग इतने ह्यूमिडिटी में वैसे भी खेलते आए हैं, इसलिए दैट वाज बेनिफिट टू अस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कल महिला टूर्नामेंट है, तो आप अपनी तरफ से उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, और आज जो हमें कांस्य पदक मिला है, जो जीत हमें मिली है, तो उनको आप किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हो आप अपनी तरफ से? उनका तो मॉरल बूस्ट हो गया होगा, हमारी टीम जो जीती है, वुमेन्स मैंस टीम जो जीती है, ऑटोमेटिकली दे हैव गॉट द मॉरल बूस्टिंग, सो दे विल बी एकदम फायर्ड अप रहेंगे, अभी प्योरली फायर्ड अप रहेंगे। और टीम बहुत ही अच्छी टीम है, उसमें कोई कमती बढ़ती नहीं है, बहुत मिडिल क्लास के बच्चे लोग हैं जो भी खेल रहे हैं, जो हॉकी खेल रहे हैं, बहुत नीचे की फैमिली से है, सो दे हैव टू गेन एवरीथिंग। उनका लॉस करने का कोई चीज़ नहीं है, दे शुड गो फ्री फेयर हॉकी खेलना चाहिए उन्होंने, बस थोड़ा डिफेंस पे ध्यान रखे, बाकी और कुछ नहीं। दे आर प्लेइंग एब्सोल्यूट वेरी गुड हॉकी एंड द कोच इज़ वेरी गुड, कोच और जो बाकी उनकी टीम है दैट वो जो प्रिपेयर करते हैं टीम को, जो उनका स्ट्रेटेजी होता है दैट इज़ द मेन, और कोच हमारे बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी बना के उतार रहे हैं टीम को। थैंक्स टू द ऑल फॉरेन कोचेस एंड मैं होप करता हूँ कि और फॉरेन कोचेस को बुलाया जाए, उनको फ्री हैंड दिया जाए कि वो टैलेंट सर्च पूरे इंडिया में करे, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया में, हर जगह में बच्चियाँ लोग लड़के लोग जो खेल रहे हैं फ्रीली आकर उनको उठा के लेके जाए, टैलेंट सर्च जैसे क्रिकेट में होता है वैसे हॉकी में करे, क्योंकि हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम एंड वी आर लैकिंग फार बिहाइंड। हमारे पूरे विदर्भा में एक भी टर्फ नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई हम विदर्भा में को टर्फ लगाने के चक्कर में, या हमने खेलना चाहा लेकिन हमें नहीं मिला, एटलीस्ट आने वाली पीढ़ियों को तो मिले। बस बेस्ट ऑफ लक टू द हॉकी टीम, उनके लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, दे हैव ऑलरेडी अचीव एवरीथिंग दे वॉन्टेड, क्वालिफाई होके एंड अभी ब्रॉन्ज मेडल खेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हारते हैं, हार जीत तो चलती है, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, लेकिन दे हैव अचीव व्हाट दे वांटेड टू इन द ओलंपिक्स। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि इंडिया जो है 40 साल बाद कांस्य पदक जीत कर आया है, लोगों में इतनी खुशी दौड़ रही है कि वो बयां कर रहे हैं, अपने जुबान से बयां कर रहे हैं। ओलंपिक मध्ये आपल्याला 40 वर्षानंतर हॉकी मध्ये ब्रॉन्ज मेडल मिळाला आहे, आपण सर्व आशा करू की येणाऱ्या वर्षात भारताला सुवर्णपदक कसं मिळेल आणि मोदीजींच्या यांना प्रयत्नांना कसं यश येईल एवढीच अपेक्षा आहे। Yeah!
चोरों ने एक ही रात में 4 मकानों को निशाना बनाया। हालांकि 2 जगह चोरी का प्रयास विफल रहा। इस घटना के बाद जहां लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। चोरों की हरकतें परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार सिंधी कॉलोनी में रात करीब 1:30 बजे के दरमियान 7 लोग एक मकान के बाहर टॉर्च लेकर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच निकेश तोलानी की मां प्रिया तोलानी को घर की खिड़की में कोई टॉर्च मारते हुए दिखाई दिया। खिड़की से बाहर देखने पर 7 अज्ञात लोग उनके घर में प्रवेश करते दिखाई दिए। उनके हाथों में हथियार भी थे। शोर मचाने पर सभी आरोपी वहां से भाग निकले। तोलानी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में चोरों की हरकत कैद हो गई। इसके अलावा कोठारी लेआउट के एडवोकेट आर माडवकर के घर भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया। सभी आरोपी ऑटो में सवार होकर फरार हो गए। तोलानी की शिकायत मिलने के बाद उमरेड पुलिस द्वारा परिसर में पेट्रोलिंग जारी थी। इस बीच करीब 1 घंटे के भीतर शहर के कावरापेट की बालाजीपुरम नगरी के बबन झोड़े के मकान में और एक अन्य बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। इसके अलावा विनोद मारुति कोवे के घर में अलमारी से नगद 30,000, बच्चे के गुल्लक में पिछले 2 साल जमा किए लगभग 25,000, फ्रिज में रखा खाने का सामान लेकर बाजू के मकान में रहने वाले योगेश बोंद्रे के घर से चोरों ने करीब 1.5 तोला सोना और नगद 10,000 रुपए पर हाथ साफ किया। पालक मंत्री नितिन राउत ने गैंग रेप की शिकार युवती के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें तत्काल मदद करने के निर्देश विभागीय आयुक्त और पुलिस आयुक्त को दिए। साथ ही आरोपी ऑटो चालकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। पालक मंत्री राउत ने गैंग रेप पीड़िता के साथ ही हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में युवक द्वारा आत्महत्या की घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों की सख्ती से जांच की जाए, सही पाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश पुलिस आयुक्त को दिए। नागपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उपाय योजना के साथ कार्य करने की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नागपुर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण एक बार फिर पुलिस की प्रतिमा धूमिल हो रही है, साथ ही नागपुर का नाम भी खराब हो रहा है। यही वजह रही कि पालक मंत्री ने अधिकारियों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। तो वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हालांकि डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल राहत मिली है। कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए वार्ड सहित आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच जिले में वायरल सहित डेंगू, मलेरिया, डायरिया ने आतंक मचा रखा है। बच्चों में डेंगू के सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। मेडिकल और मेयो में मरीजों का इलाज करने वाले निवासी डॉक्टर भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। करीब 30% से अधिक निवासी डॉक्टर डेंगू ग्रस्त हो चुके हैं। इन दिनों मेडिकल, मेयो सहित प्राइवेट अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति ये है कि वेंटिलेटर भी कम पड़ने लग रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ ही अब डॉक्टर भी बीमार होते जा रहे हैं। मेयो में पिछले शनिवार तक 17 डॉक्टर डेंगू पॉजिटिव हो चुके थे। इसके साथ ही दूसरे डॉक्टर भी वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। मेयो में फाइनल ईयर निवासी डॉक्टरों की परीक्षा शुरू होने से वे कार्य पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से JR1 और JR2 पर काम का बोझ बढ़ गया है।
इनके अलावा ENT विभाग के सभी 4 डॉक्टर डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं सर्जरी विभाग में भी 12 लोग बीमार पड़ चुके हैं। इसमें ज्यादातर डॉक्टरों को डेंगू हुआ है। फिलहाल 7 रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। मेडिसिन विभाग के कई निवासी डॉक्टर डेंगू से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। न्यू सोमवारी पेट रघुजी नगर निवासी महेश राउत की आत्महत्या के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने से आहत होकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस कुछ और ही दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारण है, लेकिन बेवजह मारपीट को लेकर प्रकरण को दूसरी दिशा देने का काम किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने महेश की कॉल डिटेल्स और कंट्रोल रूम में किए गए फोन कॉल की जानकारी इकट्ठा की। जांच में पता चला कि उसने 3 महीने में 30 बार अलग अलग कारणों को लेकर कंट्रोल रूम को कॉल किया था। इसमें ज्यादातर कॉल पड़ोस में रहने वाली चंदा बर्वे से जुड़े थे। इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार की शिकायत लेकर महेश ने हनुमान नगर जोन कार्यालय में भी 26 कॉल किए थे। महेश द्वारा बार बार कॉल किए जाने की वजह से गश्त करने वाले बीट मार्शल परेशान थे। सोमवार की शाम भी पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे तो वहां कोई विवाद नहीं हो रहा था। महेश ने परिसर में रहने वाले राहुल शेंडेकर के नाम पर कॉल किया था। पुलिसकर्मी लगातार कॉल करते रहे, लेकिन महेश ने अपना फोन चार्जिंग पर रखा था। इसी बौखलाहट में पुलिसकर्मियों ने महेश को थप्पड़ लगा दिए। वैसे बताया जाता है कि सोमवार की रात उसका पारिवारिक विवाद भी हुआ था। इसी विवाद में पत्नी रात को ही घर से निकल गई थी। क्राइम ब्रांच विभिन्न मुद्दों पर प्रकरण की जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि भारतीय बौद्धिक परंपरा का आदर सभी का कर्तव्य है। सभी को भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। वे विश्वविद्यालय के 98 स्थापना दिवस समारोह में बतौर अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी ने की। सिन्हा ने नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभावी योगदान होना चाहिए। प्रास्ताविक भाषण प्र उपकुलपति संजय दूधे ने दिया। इस अवसर पर 2020 का राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज जीवन साधना पुरस्कार चित्रकार चंद्रकांत चन्ने को दिया गया। सम्मान पत्र में बसोली के माध्यम से छात्रों के संबंध व देश विदेश के चित्रों की प्रदर्शनी का उल्लेख किया गया, जबकि इस वर्ष का पुरस्कार उद्योजक सत्यनारायण नुवाल को प्रदान किया गया। नुवाल द्वारा उद्योग क्षेत्र में किए गए कार्य और देश के विकास में योगदान के लिए उक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय अधिकारी सतीश मुरमारे, नवीन मुंगले, कर्मचारी नितिन खरवड़े कोठे को उत्कृष्ट कर्मचारी अधिकारी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वही डॉक्टर बलराज अहेर, स्वर्ण पदक मनोज मेश्राम व गजानन कावले को दिया गया। अंकुश शिक्षण संस्था व संताजी शिक्षा संस्था को इस वर्ष का संस्थागत पुरस्कार दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर एक और जहां प्रशासन तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पताल भी मुस्तैद होने लगे हैं। माह के अंत तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। नया वेरिएंट तेजी से फैलने की वजह से अधिकाधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस हालत में हर दिन हजारों की संख्या में नमूनों की जांच करनी होगी। इसी तैयारी के तहत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल को 2 RT-PCR मशीन मंजूर हुई है। इन 2 मशीनों के मिलने के बाद मेडिकल की प्रयोगशाला में एक दिन में करीब 6,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा सकेगी। पिछले वर्ष जब जिले में कोरोना वायरस ने आतंक मचाया था, तब मेयो और मेडिकल में ही नमूनों की जाँच की व्यवस्था थी। बाद में प्राइवेट लैब को भी मंजूरी मिली और शासकीय स्तर पर भी प्रयोगशाला तैयार की गई। जब सर्वाधिक मरीज मिल रहे थे, उस समय 24 घंटे के भीतर 17,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही थी, लेकिन टेस्टिंग की गति धीमी होने से रिपोर्ट प्राप्त होने में 2-3 दिन का समय लग रहा था। जांच क्षमता बढ़ाने के लिए मेडिकल प्रशासन ने मशीनों की मांग की थी। इसके लिए पालक मंत्री नितिन राउत और जिलाधिकारी द्वारा तुरंत मेडिकल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2 RT-PCR मशीन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। इन मशीनों की लागत करीब 2 करोड़ है। नई मशीनें मिलने से मेडिकल में एक दिन में 6,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा सकेगी। चोरों के गिरोह ने रास्ते के किनारे पार्क की गई 2 कार को दिन दहाड़े अपना निशाना बनाया। उन्होंने बड़ी चालाकी से सरेआम कारों की खिड़की के कांच तोड़कर नकदी, बैग सहित कई कीमती सामान चोरी किए। दोनों वारदातें प्रताप नगर और सीताबड़ी थाना क्षेत्र में हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापनगर पुलिस ने CPWD क्वार्टर सेमिनरी हिल्स निवासी राहुल मधुकर राजनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राहुल मंगलवार की दोपहर 3 बजे के दौरान अपनी कार से त्रिमूर्ति नगर गए थे। यहां उन्होंने IDBI बैंक के सामने गाड़ी पार्क की और पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए।
इसी बीच कुछ चोरों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कार के अंदर रखे बैग के साथ लैपटॉप, टैब और 18,000 रुपए नकदी चुरा लिए। जब राहुल खाना खाकर लौटे तब उन्हें चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना सीताबर्डी थाना अंतर्गत टेकड़ी रोड के माहेश्वरी भवन के सामने घटी। यहां पुलिस ने सूरी लेआउट जाफरनगर निवासी ताबिश अली रजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ताबिश ने दोपहर 2 बजे अपनी कार को माहेश्वरी भवन के बगल में पार्क कर किसी काम से चले गए। कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी कार का शीशा तोड़कर अंदर से लैपटॉप सहित बैग चोरी कर लिया। सीताबर्डी पोलीस स्टेशन च्या हद्दीमध्ये एक टेम्पल बाजार रोड या ठिकाणी त्याचप्रमाणे सिव्हिल लाईन्स या परिसरामध्ये दोन घटना घडलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये गाडीची कास फोडून आतमध्ये असलेली लॅपटॉपची बॅग व त्यामधील काही कॅश अशी चोरी झालेली आहे। दोन्ही बाबत गुन्हे दाखल केलेले आहेत। शहरामध्ये इतर ठिकाणी याच प्रकारचे गुन्हे झालेले आहेत, तर त्यामुळे आमचा तपास चालू आहे। CCTV फुटेज आम्ही गोळा करीत आहोत आणि त्यावरून आरोपींचा तपास आमचा चालू आहे। याच्यामध्ये आमचा तपास चालू आहे, याच्यामध्ये आंतरराज्यीय टोळी असण्याची शक्यता आहे, कारण याच्या आधी काही आम्ही पकडले होते तर त्याच्यामध्ये बाहेरच्या राज्यातून येऊन या ठिकाणी चोरी करण्याचे प्रमाण प्रकार झाले होते, त्याच्यातील काही आरोपी अटक होते, तर त्या दृष्टीने आमचा तपास चालू आहे। त्याचप्रमाणे इतर बाकी जे पोलीस स्टेशनचे स्टाफ आहेत तर त्यांच्या मदतीनेही आमचा आरोपींचा शोध चालू आहे। 4 साल के मासूम की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो गई। पिता साजिद शेख ने अपने मासूम बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए लता मंगेशकर अस्पताल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने लता मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल, डॉक्टर अंकित के खिलाफ जाँच के आदेश जारी कर दिए है। वही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को 6 महीने में फैसला देने के आदेश भी दिए है। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जीशान सिद्दकी ने पत्र परिषद में बताया कि अस्पताल की लापरवाही ने एक पिता से उसके मासूम बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लापरवाही के खिलाफ जनता फाउंडेशन ने शुरू से ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, जिसके बाद अस्पताल की लापरवाही की जाँच करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल पर आरोप है कि लता मंगेशकर अस्पताल द्वारा सुफेन शेख नामक 4 साल के बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर केस को बिगाड़ दिया गया था, जिसके बाद से बच्चे को कुछ भी खिलाने पिलाने पर उसका सारा खाना पीना तुरंत ही निकल जाने लगा और ऐसी गंभीर परिस्थिति में जबरन अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल द्वारा बच्चे को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरे अस्पताल वालों ने बच्चे को इलाज करने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि बच्चे का केस काफ़ी बिगड़ गया था। इसके बाद दोबारा जब बच्चे को लता मंगेशकर अस्पताल में ले जाया गया तो वहां बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। इधर उधर दौड़ धूप में आखिरकार बच्चे की जान चली गई। मैं काजी जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये पूरा मामला ऐसा है, 4 साल का एक बच्चे की मौत का मामला है। 4 साल के बच्चे को यहाँ पर लता मंगेशकर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था, सुफेन शेख को। बच्चा जब यहाँ आया था बिल्कुल हेल्दी था, फिट था, फाइन था, बाकायदा हॉस्पिटल में हंसता खेलता दौड़ता हुआ उसका वीडियो ऑपरेशन के एक दिन पहले का। बच्चे को जब यहाँ लाया गया था सिर्फ उसकी शौच की प्रॉब्लम थी, वो बाईपास हुआ हुआ था उसका शौच का, तो उसको मेन लाइन पे डालने के लिए यहाँ लाया गया था लता मंगेशकर हॉस्पिटल में। जब ऑपरेशन हुआ बच्चे का तो ऑपरेशन पूरे तरीके से बिगड़ गया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को जो भी खिलाते पिलाते थे उसका तुरंत सब कुछ बह जाता था। जब बच्चा इतनी गंदी कंडीशन में था उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा। बच्चा बिल्कुल मौत के करीब आ चुका था, बच्चे को कुछ भी खिलाने पर आधे घंटे में जब उसका खाना निकल जा रहा है, ऐसी क्रिटिकल और गंभीर सिचुएशन में लता मंगेशकर हॉस्पिटल द्वारा बच्चे के माँ बाप को ये बोलकर बच्चे को डिस्चार्ज जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो चुका है, तुम उसको यहाँ से लेकर जाओ। बच्चे के माँ बाप ने रिक्वेस्ट करे, उनको नहीं रखा गया, वहाँ से भेज दिया गया। जाने के बाद चंद्रपुर के सरकारी हॉस्पिटल बच्चे को लेकर गया गया। वहाँ पर डायरेक्ट ये जवाब दिया चंद्रपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कि आपका केस पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से आप आए हो आप दोबारा वहीं पर जाइए। दोबारा जब लता मंगेशकर हॉस्पिटल ये आए बच्चे को लेकर के, तो लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बच्चे का कोविड टेस्ट किया गया और पॉजिटिव बता के बच्चे को वहाँ से निकाल दिया गया। जबकि हम कोविड पॉजिटिव है बच्चा आपका, जब तक ये नेगेटिव नहीं होता तब तक हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो मैंने खुद भी उसके बाद, बच्चे के माँ बाप ने मेरे से भी कंसल्ट करे, मैं खुद भी उसके बाद लता मंगेशकर हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पर
मैंने बोला कि सर आप डिस्चार्ज तो कर रहे हो पर बेड्स अवेलेबल कोविड में ऐसी सिचुएशन में नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर प्रतीक ने बाकायदा बोला आप चाहो तो मैं आपसे कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, वो रिकॉर्डिंग है, उसने ये बोला डॉक्टर प्रतीक ने कि हमने मेडिकल में आपके लिए बेड अवेलेबल करवा दिया है, आप बिंदास वहाँ चले जाइए। जब बच्चे को ऐसी गंभीर स्थिति में, ये मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी स्थिति में जब बच्चे को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पता चला कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल से यहाँ कोई कॉल नहीं आया है। इससे साफ समझ में ये आता है कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल अपना पल्ला झाड़ने ये चाह रहा था कि बस एक बार आप यहाँ से निकल जाओ बच्चे को लेके। फिर मजबूरन हमने इनको मेयो हॉस्पिटल में बेड दिलाए, जब संजय कुमार बालपांडे जी ने इनको बेड दिला करके दिया मेयो हॉस्पिटल में, 3 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के बच्चे का कोविड का बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में चला। उसमें ये भी बताया जा रहा है हमारे को बाकायदा कि वहाँ जब बच्चा इनका एडमिट रहा तो वहाँ की जो मेन सर्जन है डॉक्टर अलबल, वो हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ आती थी विजिट देने। बाकी इंटर्न लोग अगर है तो इंटर्न लोग कैसे बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चा है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ नहीं है, जिंदा चीज़ है वो। अभी हमारी मांग तो यही है कि ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द हो, ऐसा जो प्रशासन है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है लता मंगेशकर हॉस्पिटल में बहुत लैंडलॉर्ड लोग नहीं जाते हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है सस्ता होने की वजह से वहाँ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल में मैंने खुद देखा हूँ, इनके टाइम भी मैंने देखा हूँ, बच्चे के माँ बाप 4 बार आवाज़ दे रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मोबाइल में लगे हुए हैं। नागपुर में गुरुवार 6 अगस्त को 4 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5,670 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जहां 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।